स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। आज जिस कार्यक्रम में है, सफाईगिरी एक अभियान शुरू किया है जिसमें मॉर्निंग में हर संडे चार सेक्टर, चार एरियाज़ हम लोग कवर कर रहे हैं और प्लॉगिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन काफ़ी जगह शुरू हो गया है, गीले और सूखे कूड़े को सेग्रीगेट किया जाए। जहाँ जहाँ यूरिनल्स की रिक्वायरमेंट रह गई है, यूरिनल्स बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा वेस्ट को कैसे बेहतर डिसेंट्रलाइज तरीके से प्रोसेस किया जाए, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी काम चल रहा है। ड्राई वेट वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन, होम कंपोस्टिंग, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सिटीजन्स को उसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। लास्ट ईयर एक कारण ये भी था कि नोएडा ODF नहीं डिक्लेयर हुआ था। अब नोएडा ODF डिक्लेयर हो चुका है, तो उसकी वजह से मार्क्स बहुत कम रह गए थे। और दूसरा, जो हम लोगों को सेग्रीगेशन है, वेस्ट सेग्रीगेशन में नोएडा बहुत पीछे है, इसीलिए वेस्ट सेग्रीगेशन हो और वहीं पे वहीं प्रोसेस हो, तो इन सारी एक्टिविटीज़ लास्ट ईयर ना होने की वजह से हम लोग पीछे रह गए थे और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम लोग काफ़ी आगे बढ़ेंगे। मैम, इससे पहले आप गाज़ियाबाद में थी, वो टॉप थ्री में था लिस्ट में, अब क्या लगता है अपना रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे आप? नहीं, टॉप थ्री में नहीं था, लेकिन गाज़ियाबाद 13th रैंक ज़रूर प्राप्त किया था लास्ट सर्वेक्षण में। और पूरा प्रयास रहेगा कि नोएडा इस बार टॉप 10 में आए, और बाकी तो देखते हैं कितना काम दिसंबर तक हम लोग कर पाते हैं। और कुछ नहीं, मेनली आपके यहाँ जो घर पे मेड है वो कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। इसमें कोई ऐसा टेक्निकली कोई ऐसा कंपोस्टिंग का कोई सोल्यूशन नहीं, और कोकोपीट डालने से बदबू कूड़े की नहीं आती। अगर इनके साथ आती भी है तो स्प्रे भी। इस विचार के साथ मैं गांव गांव और गली गली स्वच्छ भारत का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ दे रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा, वो भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे। मिसेस सचिन तिवारी, नरेश पक्षी,